ये है रिशु हमारा जिम जाके आया है। अच्छा ऑडियो पीछे से आ रही है, मैं ऑडियो देता हूँ। रिशु हमारा यश के ब्लॉग पे आपका स्वागत है। आज का इंट्रोडक्शन मेरी तरफ से, हेलो वाओ पीपल, वेलकम बैक। ओए सॉरी सर गाइस, मेरी बॉडी पे ध्यान मत देना, थोड़े रॉन्ग चैनल पे मेरी जिम वाली पहली वो आ गई फिजिक। भाई साहब तक आपने फ्लेक्स करवाई के सामने ऐसे होने लग जाएंगे भाई के मसल। न्यू बताओ क्यों बोला, क्योंकि न्यू बॉर्न मसल पहली बार देखेगा। आएंगे आएंगे नेश भाई मसल बहुत जल्दी मेरे करण अर्जुन आएंगे। अर्जुन तो बिल्कुल ही गया गुजरा है, राइट वाला स्ट्रॉन्ग है मेरा थोड़ा। आप अब सिर्फ फोन पे टॉकिंग आ रही है, ट्राइसेप दिख रहे हैं भाई, क्या बात कर रहे हो और क्या। यस आनंद, आनंद 30x अकाउंट, ओके यू आर वाचिंग। अरे क्या, अरे यार माना भाई, पुरानी बातें हो गई बेटा यार, रात को ना अभी मैं मूड में नहीं, हाथ काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक से अभी नहीं कर रहा हाथ। आ जा ऋषि टोपी, अच्छा रूम में आ गया। कौन है ये स्मार्ट आदमी? प्री पी लिया? हाँ ब्रदर प्री पी लिया। आज क्या मारेंगे? चेस्ट। ओह थोड़ा आज कम लगाऊंगा मैं ब्रो, तबीयत थोड़ी खराब है। ठीक है, जस्ट किडिंग। अरे 35 की जगह 30 मार लेंगे, क्योंकि यार ब्रो तबीयत खराब है, अब क्या करें। भाई का एग्जाम भी आ रहा है पता है। हाँ मेरे को पढ़ना है। हाँ ओहो एक्सक्यूज, पढ़ना है मेरे को, ठीक है। नहीं वैसे सही बात है यार, सुबह से पढ़ने में लगे। हाँ और भाई बातें करी जा रहे हैं, मैं सामने पढ़ रहा हूँ। और भाई क्या चल रहा है, मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ। और भाई क्या सीन में पढ़ रहा हूँ, और भाई ये चेक कर मैं पढ़ रहा हूँ। सुल्तान, क्या कर रहे हो? वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है और अभी पोस्ट वर्कआउट शेक बना रहा हूँ। एक ये मेरा है, यश भाई के लिए बना रहा हूँ, साथ में मस्त रिकवरी करेंगे प्रोटीन की। ये लो भाई। अरे पोस्ट वर्कआउट एसेंशियल हो जाए फिर प्रोटीन। चीयर्स। तुम आने को पियो तो। प्री वर्कआउट सोचा मैंने, मेरे को लगा बोला वाओ टेस्टी है। दिस इज बायोजाइम परफॉर्मेंस वे, इसके हर एक स्कूप के अंदर आपको 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है, एंड इसी के साथ में इसमें पेटेंट अप्लाइड इनहेंस एब्जॉर्प्शन फार्मूला का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से आपको 50% ज़्यादा प्रोटीन एब्जॉर्प्शन एंड 60% से ज़्यादा BCAA एब्जॉर्प्शन मिलता है। तो इसका लिंक और पूरे स्टैक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। और एक गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए कि मसल ब्लेस की सेल 4.0 जो कि साल की सबसे बड़ी सेल होती है, वो 18 मार्च को लाइव होने वाली है, जहाँ पर आपको सारा जो भी स्टैक होगा, सारे जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिलने वाले हैं, तो उसको मिस मत करना। आनंद 30x अकाउंट, ओके यू आर वाचिंग। अर्जुन को डर लग रहा था कि प्रैंक ना करके प्री वर्कआउट पे ला दूंगा अभी। ये हमने अपने दोस्त के साथ किया था। अरे वो याद आ गया, क्रेजी। हमने उसको वो घर पे आया, कहता आज तो पूरी रात नहीं, आज सोना है, कल गोवा निकलना है, सो जाओ। उसको भाई पिला दिया हमने प्री वर्कआउट। तभी भाई से कैमरा लेके आया तो मेरे को लगा कुछ पोस्ट मतलब प्रोटीन तो नहीं है, कुछ और है, विटामिन सी। तो अर्जुन भाई और टीके भाई अपने
कल लैक में फैशन वीक के लिए लेके जा रहे हैं मेरे को, मेरा फर्स्ट टाइम है। ठीक है, पहले अटेंड कर चुका है? हाँ, मैं कर चुका। जब ये अपने वाले सब जितने भी लोग जब वॉक करे तभी जाते हैं, वैसे स्पेसिफिकली जाते नहीं है, बट भाई अभी ये बोल रहे थे कि भाई गए नहीं कभी, तो अच्छा सीन रहता है भाई, मतलब मजा तो आता है। कल उन्नति और संकेत करने वाले हैं और दोनों नहीं मिले, पता है व्लॉग्स पे अभी ये सब लोग मिले हैं। कल वॉक दिखेगी डायरेक्ट, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई कल के लिए। आप तो वैसे मतलब बाकी एक्सपो एक्सपो तो मतलब बाकी चीजों सब देखा आपने, बॉडी बिल्डिंग वाला देखा हुआ, ये नहीं देखा मेल फुल टेस्टोस्टेरोन वाला सीन देखा आपने, बट वैसे ईस्ट्रोजन वाला सीन आपको मालूम पड़ेगा। पूरी 90-80% फीमेल्स आती है वहाँ पर, ऐसा रहता है क्या? ओ भाई भाई एक्साइटेड हो गया, भाभी जी देख रहे हो? नहीं बट लेकिन हाँ, एक्सपो जैसी फीलिंग आएगी, बस लोग चल रहे होंगे। चेहरे पे खुशी हुई तो समझ रहा भाई को कोई मिल गई है। ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था पर मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। मैंने ऐसे मॉडलिंग शोज़ खुद भी किए हुए हैं बट वो वहाँ पर किए हैं, अपने ग्वालियर में इतने बड़े बड़े शोज़ नहीं थे। याद है वो वाला टाइम जो मैं बताता हूँ, मॉडलिंग वाला टाइम, तो वो किए हुए हैं बट ये ऐसा देखा नहीं था कभी भी मैंने, तो ये बहुत तगड़ा था। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे, कृति सेनन, मलाइका अरोरा और ऐसे बहुत सारे थे, पेजेस पे बार बार देखते गए। बट हमारे दो फ्रेंड्स वहाँ पर वॉक कर रहे थे, संकेत और उन्नति, तो उनके लिए हम स्पेशली गए थे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया मेरे को तो। और ऐसा मन कर गया वापस से, नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं ना कि यार वापस से वॉक कर स्टार्ट करनी चाहिए ऐसी जगह पर भी, तो वाला सीन था पूरा। हाँ, अर्श भाई ने मस्त टी शर्ट डाल रखी है अभी, है ना? हाँ। भाई ने गिफ्ट किया। कल इसी को अगली बैग इसी में लगाऊंगा भाई। अरे कल थोड़े काले काले से क्यों दिख रहे हो अब? सो गाइस, इसी के साथ में आज के इस व्लॉग को खत्म करते हैं। मजा आया आपको? मेरे को लैक में बहुत ज्यादा, वही बता रहा था मैं अभी, क्रेजी सीन था। हाँ, अरे मेरा मन कर गया था वॉक करने का, 80-90% वाला सपना भी पूरा हो गया। अरे मेरा तो मन कर रहा था वॉक करने के लिए चले जाऊं जल्दी से। तो गाइस जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में। आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेस व्लॉग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल। पीस 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 आउट।